बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल से वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। दानिया मलिक के हवाले से अपडेट एक तो आने वाली है और एक अपडेट जो कि अभी डेवलपमेंट हुई है उससे आपको आगाह करना था। सिटी कोर्ट में दानिया मलिक के हवाले से जो दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी उसमें आज अदालत ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट ने दानिया मलिक को जेल से अदालत तलब कर लिया है और समाअत जो है वो 2 बजे तक मुलतवी कर दी। एन मुमकिन है कि आज जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर फैसला सुना दिया जाए। फैसला क्या आता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो दुआए आमिर यानी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो बेटी है उनकी जानिब से जो वकील है ज़िया अवान साहब वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कहते हैं कि ये जहाँ से भी ज़मानत इनकी रिजेक्ट हो जाएगी जैसे मजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट की थी। इसके साथ साथ FIA का ये कहना है, FIA के जो वकला अदालत ने पेश किया वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास इतना मवाद है कि जिससे लगता है कि दानिया मलिक की दरख्वास्त ज़मानत यहाँ से भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एडवोकेट लियाकत गबूल जो कि दानिया मलिक के वकील हैं उनका ये कहना है कि दानिया मलिक को आज ज़मानत मिल जाएगी और बहुत जल्द वो जेल से बाहर होंगे। ये तो वकला का मौक़िफ है, अदालत क्या करती है इस पर, अदालत का फैसला क्या आता है वो जाहिर सी बात है फैसला आने के बाद ही उस पर बात की जा सकती है। लेकिन जो FIA की जानिब से जो मवाद पेश किया गया है, जो वीडियोस अदालत को दिखाई गई थी मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अपना फैसला सुनाएगी। अगर उसमें कोई नई अपडेट दी हो दानिया मलिक के वकील की जानिब से तो हो सकता है कि ज़मानत मिल भी जाए, लेकिन ज़मानत मिलने के चांसेस कम हैं और ज़मानत की दरख्वास्त रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा जो पहलू है इस केस का, एडवोकेट लियाकत गबूल दानिया मलिक के वकील सिंध हाई कोर्ट पहुँचे आज और आज उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर की है। उस दरख्वास्त में मौका ये अपनाया है कि FIA का जो ये तरीक़ाकार था गिरफ्तारी का वो गैर कानूनी था, उसमें कानूनी जो लवाजमात हैं उनको पूरा नहीं किया गया। दूसरी जानब जो FIA के नोटिस आते रहे दानिया मलिक के हवाले से और उनकी वालदा के हवाले से तो उसको फॉलो किया गया, यानी FIA को जो हर चीज़ का तआवुन किया गया, FIA के साथ तमाम तर चीज़ें कानून के मुताबिक की गई। लेकिन ये जो तरीका था घर में घुसकर तोड़ फोड़ और तशद्दुद के हवाले से भी दानिया मलिक की वालदा ने कहा कि उनके बाजू पे चोट भी आई, वो रवैया दुरुस्त नहीं था। इसके साथ साथ दानिया मलिक की वालदा ने अपने बयान में ये कहा था कि जो यानी जिस तरह दाखिल हुए घर में सादा लिबास लोग और बहुत सारे अफराद चीज़ों को इधर उधर फेंकना, इसके साथ साथ तशद्दुद का निशाना बनाना और दानिया मलिक को बग़ैर दुपट्टे के 800 किलोमीटर दूर लाया गया, जिसमें उनके वकील का ये कहना है एडवोकेट लियाकत गबूल का कि जब भी गिरफ्तारी होती है उसका कानूनी तरीका ये होता है कि मुतलका जो मजिस्ट्रेट है उसकी अदालत में पेश करके राहदारी रिमांड लिया जाता है, जबकि FIA ने ये अमल नहीं किया जो कि सरासर ज्यादती है और सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। इस मामले पर अदालत से रुजू किया गया और गिरफ्तारी के इस अमल को गैर कानूनी करार देकर दानिया मलिक को रिहा करने की इस्तेदा की गई है। इस दरख्वास्त पर भी जो डेवलपमेंट होगी वो 2 बजे के बाद ही होगी, हो सकता है आज ही इस दरख्वास्त को सुन लिया जाए और हो सकता है कि इस दरख्वास्त के लिए कोई बेंच मुकर्रर किया जाए और अगली कोई तारीख दी जाए। ताहम जो भी डेवलपमेंट होगी इस हवाले से भी वो आपके सामने रखेंगे। दानिया मलिक को काफ़ी अरसा जेल में बीत गया है और इस हवाले से FIA भी बड़ी मुतहरक है, दुआए आमिर के वकला और उनकी वालदा भी बहुत मुतहरक है, वो नहीं चाहते कि दानिया मलिक बाहर आए। गुज़िश्ता समात में ये कहा गया कि जो इंटरव्यू किया गया था यासिर शामी की जानिब से उनको अभी तक जो है शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, ये भी एक इस केस का आंसर है। तहम तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रायल की जानिब बढ़ेंगी और चालान पेश करने के बाद बाकायदा तौर पर फर्द जुर्म आयद किया जाएगा। ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती वो तो एक तरफ, वो तो अलग पहलू है, लेकिन एक पहलू ये भी है कि ट्रायल चलता रहेगा और दुआए आमिर के वकील कहते हैं कि कम अज़ कम इसमें सज़ा 7 साल हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल सज़ा हो सकती है। तमाम इस केस से जुड़ी जितनी भी डेवलपमेंट हैं जो भी तफसीलात हैं वो आपको उससे आगाह करते रहेंगे। आज 2 बजे के बाद बड़ी डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं इस केस में, वो भी आपको देते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और सेहत आपकी ठीक होगी। हमें दुआओं में याद रखिएगा।
और इसके साथ साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और वीडियोज़ लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।